आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई जो केवल दो इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। घर में रखे हुए सामान से बहुत ही टेस्टी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पीनट लड्डू, पीनट बटर लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट। हम इसे बहुत ही इंस्टेंटली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें गैस भी ऑन नहीं करनी पड़ेगी। इसमें हमने डाल दिए हैं कुछ चंक्स के लिए काजू और बादाम चॉप करके, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऑप्शनल है डाल दें। अब यहाँ पर हमने ले लेना है पीनट बटर, दो चम्मच डालेंगे या फिर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। पीनट बटर वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होता है और अगर आप इस तरह से लड्डू फॉर्म में बनाकर रख देंगे ना तो वो बहुत ही ईजिली उसको खा सकेंगे और वो सबको बहुत पसंद भी होता है, साथ ही में ये हेल्दी भी होता है। यहाँ पर मैंने जैसे काजू बादाम डाले हैं, आप यहाँ पर अपने मनपसंद किसी भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ना ही इसमें पानी डालना है, ना ही दूध और ना ही कोई और इंग्रेडिएंट, बस हल्का सा मिक्स करना है इस तरह से, जिस तरह से कि बाइंड होने लगे। अब इसके लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से बंध जाएंगे। थोड़ा सा हमने डेसिकेटेड कोकोनट और ले लिया है इसके ऊपर से कोट करने के लिए। अब हमें इसके इस तरह से लड्डू बना लेने हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गीला सा है तो आप इसमें नारियल का बुरादा थोड़ा सा और डाल दें, और अगर आपको ये ढीला सा सूखा सूखा सा लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पीनट बटर डाल दें। बस ये दो इंग्रेडिएंट में ये बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें बनाकर आप स्टोर करके रख लें तो ये आप कभी भी खा सकते हैं। आप इन्हें गेस्ट के लिए दे सकते हैं या फिर आप कभी भी आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी एक पीनट लड्डू बनकर तैयार हो गया है, पीनट बटर लड्डू। तो इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान और खाने में बहुत ही यम्मी। इसी तरह से आप बादाम, जो हमारा बादाम का बटर आता है, आलमंड बटर, उससे भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास ये पीनट बटर ना हो तो आप डेसिकेटेड कोकोनट में चॉकलेट पाउडर आता है, चॉकलेट सिरप आता है, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप कटोरी में डालकर भी इस तरह से इसको स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखने में तो बहुत सुंदर लगेगा ही, साथ में इसमें ये देखिए एकदम सूखा सूखा सा हो जाएगा, हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसी तरह से हम और भी बाकी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी पीनट बटर लड्डू। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।